हेलो ब्यूटीफुल पीपल दिस इज विजरा एंड वेलकम टू वी टॉक इंडिया जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिम्प्लीफाई करते हैं एंड वी प्रोवाइड आईटी सपोर्ट एंड सर्विसेज आल्सो टू कॉर्पोरेट एमएसएमई एंड इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ई मार्केटिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और यू नीड एनी काइंड ऑफ आई सपोर्ट एंड सर्विसेज यू कैन कनेक्ट विद अस सो बेस्ड ऑन आर प्रायर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट डिजिटल मार्केटिंग फील्ड हैज़ बीन ऑलवेज अ ड्रास्टिक चेंजिंग फील्ड जिसमें हमेशा हर साल कुछ ना कुछ राइज पे रहता है और बहुत सारे चेंजेज आते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस ईयर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे ट्रेंडिंग चीजें क्या क्या रहने वाली है प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग जो अब के टाइम पे जो वर्चुअल चीजें जितनी भी चलने वाली है वो इमोशंस एंड रियलिटी के बेसिस पे चलने वाली है ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस पे चलने वाली है अब तक आप देखोगे जितनी भी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में चल रही थी इंटरनेट पर जो चल रहा था चाहे वो वीडियो की बात करें किसी भी चीज की बात करें तो वो दैट वॉज अ काइंड ऑफ शो ऑफ बट अब लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने लग गए हैं रिलेट करने लग गए हैं इन इंडिया टू थाउजेंड जो है 2016 अपने आप से एक रिवोल्यूशन ईयर रहा है और वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई है तो तब से ले आज तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो लोग शो ऑफ करने में दिखावा करने में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे बट राइट नाउ द ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन आप देखोगे कि लोग रियलिटी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इमोशंस को एक्सप्रेशन को जो एक्चुअली में ट्रस्ट फैक्टर जहाँ से आता है वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं

बट अब के टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग है इंटरनेट है पूरी तरह से धीरे धीरे फैलता जा रहा है तो जो इंग्लिश वाला ट्रेंड है वो इंडिया में हमारी मातृभाषा हिंदी है बट कहीं ना कहीं हमारे पूरे कंट्री में देखा जाए तो देर आर ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है और जितनी भी कंटेंट आ रहे हैं ना अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में डिलीवर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर आपकी जो भी भाषा है पंजाबी उर्दू मलयालम या फिर तमिल जिस भी भाषा में आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू

करंट ईयर 2022 में लिंगड बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है बिकॉज अपने आप को हिंदी पे बहुत ज्यादा मार्केट कर रहा है और लिंगड इन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म तो उसमें जो कंटेंट है अभी डलने बाकी हैं लोग उस पर और ज्यादा जाने वाले हैं शिफ्ट होने वाले हैं और हिंदी जब से तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो खुद को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं सो इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया लिंक इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट ट्रेंड वहीं अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने अपनी कंपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा कर दिया है और स्पेसिफिकली फीचर्स की बात करें तो फेसबुक में जो ग्रुप है कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में इट मीनस की जो कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग है लोगों से कनेक्ट करना एक दूसरे से कनेक्ट करना और वहाँ से बिजनेस उठाना नेटवर्किंग करना वो एक ग्रुप के थ्रू ही हो सकता है तो फेसबुक भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि ग्रुप में कम्युनिटी में लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए और उसमें और क्या क्या फीचर डेवलप किए जाएँ तो फेसबुक ग्रुप अपने आप में एक अगला ट्रेंड होने वाला है जो करंट ईयर में राइज करेगा आने वाले टाइम में द नेक्स्ट ट्रेंड इज गोइंग टू बी ई कॉमर्स यस डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं मोबाइल फोन हम बहुत ज्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अब जो मार्केट है बाहर फिजिकल मार्केट धीरे धीरे जाना लोग बंद कर चुके हैं ऑल दो जो सेलिब्रेशन होता है फेस्टिव टाइम होता है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा जाते हैं लेकिन नॉर्मल डे में कहीं ना कहीं कोई बुक मंगानी हो कुछ आइटम मंगाना हो तो हम डिलीवरी पसंद करते हैं तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी जितनी भी मार्केट है इंडिया में उससे और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले टाइम में क्योंकि के त, अब के टाइम में भी देखा जाए तो जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं डेवलप्ड सिटीज हैं वहीं तक इंटरनेट पहुंच पाया है और जो लोकल सिटीज अभी भी बची हुई हैं जितने आप यूपी बिहार आसाम या जो भी ये लोकल स्टेट्स अभी भी काफी ज्यादा बचे हुए हैं तो ई e कॉमर्स वहाँ भी धीरे धीरे पहुंचने वाला है सो इन दी अपकमिंग टाइम डेफिनेटली ई कॉमर्स इज गोइंग टू बी ऑन द राइज एंड द नेक्स्ट ट्रेंड इज गोइंग टू बी एड्स स्पेंडिंग यस सी अब लोग सोशल मीडिया को थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं एक्चुअली में इंटरनेट की रियलिटी क्या है सबको समझ आ चुकी है तो जितने भी फिजिकल बिजनेस पीपल भी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट अवेलेबल हो हम भी सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स जनरेट करें तो जब ये सेल्स जनरेट करने का प्रोसेस आता है रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसेस आता है तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्पेंड भी करना होता है तो इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया हैं चाहे आप गूगल की बात करो फेसबुक की बात करो यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पर एड्स स्पेंडिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि लोग और ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा क्राउड आएगा तो वहाँ पर एड्स स्पेंड और ज़्यादा होगा क्योंकि लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे तभी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएगी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे और कस्टमर एक्विजिशन बढ़ेगा सेल्स बढ़ेगा तो एड्स स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में एंड नेक्स्ट ट्रेंड इज गोइंग टू बी एफलेट मार्केटिंग यस वाई एफिलेट मार्केटिंग इज़ गेटिंग पॉपुलरिटी क्योंकि अब के टाइम पे भी इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं होता अपनी खुद की सर्विस नहीं होती जिसको सेल करके वो मनी जनरेट कर पाए, रेवेन्यू जनरेट कर पाए, तो इस केस में एफलेट मार्केटिंग आता है क्योंकि एफ़िलेट मार्केटिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है फिर भी आप एक मर्सेंटाइज से कनेक्ट करके अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करके और फिर वहाँ से आप मनी जनरेट कर सकते हो तो एफिलेट मार्केटिंग इंटरनेट पर और ज़्यादा लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसे कमाना चाहेंगे और जब पैसे

कोई बुक पढ़ना पसंद है तो सभी को पसंद हो या फिर आपको वीडियो फॉर्मेट पसंद आ रहा है वीडियोस देखने पसंद आते हैं यूट्यूब पे तो सभी को वीडियो देखने आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं, हैं ब्लॉगिंग को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली जो टेक्स्ट फॉर्मेट है इट इटम चाहे आप बुक की बात करो या ब्लॉग्स की बात करें या आर्टिकल्स की बात करें ये और ज्यादा पॉपुलर होगा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम पे और कंटेंट चाहिए तो जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ब्लॉगिंग फॉर्मेट वो और ज्यादा बढ़ने वाला है 네 <목소리도> एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब अगर यूट्यूब की बात करें या वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा हालांकि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट इन द सेंस जो वीडियोज़ बनेंगी वीडियो फॉर्मेट उसकी ड्यूरेशन छोटी होती जाएगी ड्यूरेशन जो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का टाइम स्लैब है उसी में चलेगा उससे ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट लोग देखना पसंद नहीं करते हैं अगर कोई थर्टी मिनट्स का कंटेंट है तो इट इज़ ऑब्वियस उसको हमें दो से तीन पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए और फिर क्लिपिंग्स डालनी चाहिए लेकिन आने वाले टाइम में जैसे अभी रील्स आ गए थे शॉर्ट रील्स आ गए थे तो तो इनका ट्रेंड धीरे धीरे डाउन होता जाएगा बिकॉज जो रील्स है वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अच्छा है टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लेकिन रील्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप कोई मैसेज डिलीवर नहीं कर पाओगे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी लोग उससे कुछ लर्निंग नहीं ले पाते हैं सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक जो रील्स का रहता है और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट का वीडियो का रहता है लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को और ज़्यादा सीखने की जरूरत है और ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में ही आ पाएगा तो अगर गौर से देखें या चीज़ों को समझें ऑब्जर्व करें तो आने वाले टाइम में लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो मार्केटिंग में बढ़ेंगे मार्केटिंग सेगमेंट में बढ़ने वाले हैं प्रमोशनल कंटेंट बढ़ने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म में लेकिन ट्यूटोरियल पर्पज से और ग्रो करने के पर्पज से जो कस्टमर है उसको रिटेन करने के पर्पज़ से लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट ही बढ़ने वाले हैं सो दीज आर द ट्रेंडिंग सेक्टर्स जो आने वाले टाइम में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस अगर पिछले कुछ डाटा और स्टेटिक्स को देखा जाए तो सो इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू डिजिटल मार्केटिंग या फिर आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक सेक्टर को पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग तो डेली में द्वारका मोड़ पर हमारा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम क्लासेज चलाते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं एंड इफ यू आर एन बिजनेस पर्सन आंट्रप्रेनर यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ आई टी सपोर्ट सर्विसेज वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए